मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज के खास बुलेटिन में स्वागत करता हूँ। आप डेवलपर, बिल्डर या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो यह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि IODCC और अन्य फीस, चार्जेस, डिपॉजिट और प्रीमियम पेमेंट को इंस्टॉलमेंट पॉलिसी की अवधि सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है, जिससे मुंबई के बिल्डर्स डेवलपर में उत्साह का माहौल है। इस तरह की मांग को क्रेडाई MCHI ने उठाया था, जो अब मंजूर कर ली गई है। इस विषय पर हमारे साथ फोन पर कनेक्ट हैं। बात की नरेटको के चेयरमैन राजन बांदेलकर से। क्या कुछ कहा राजन बांदेलकर ने, दिखाते हैं। हम लोग को नरेटको की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। उसका रीजन ये है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है अभी तक बिजनेस के ऊपर पूरी तरीके से गया नहीं है। मतलब जो बोलते हैं ना कि बिफोर कोरोना पीरियड तक का बिजनेस अभी तक आया है, तो उसका जवाब नहीं, अभी तक नहीं आया हुआ है उतना। और लास्ट ईयर क्या हुआ कि सरकार ने हमको स्टैम्प ड्यूटी में सहूलत दी थी, तो ये सहूलत दी है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस, लास्ट टाइम ये लोगों ने सितंबर से स्टैम्प ड्यूटी की सहूलत दी थी, ये टाइम तो सितंबर चले गए, अक्टूबर भी जाने को आ गया। स्टैम्प ड्यूटी की सहूलत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी की सहूलत जो आती है उससे मकान लोग खरीदते हैं, और मकान जब खरीदते हैं तो GST जो स्टैम्प ड्यूटी से कितना ही ज्यादा है उसका एडवांटेज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलता है। प्लस GDP में भी इजाफा होता है, सारे बैंकों को भी जो उनकी जो भी ट्रांजेक्शन है लोन बिन के वजह से, तो इससे जितने मकान अगर ज्यादा बने और ज्यादा बिके तो पूरे सिस्टम में उसका बेनिफिट होता है। जी राजन जी, मेरा अगला सवाल है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। जैसे स्टैम्प ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं, और ये इस तरह के निर्णय से, इस सब तमाम निर्णय से जो कोरोना में जो एक मार्केट ठंडा था, तो उससे क्या मार्केट अब होने के आसार हैं, क्या मानते हैं आप? मार्केट तो देखो, मार्केट तो अच्छा ही होगा। इसमें मेरी सारे डेवलपर को भी रिक्वेस्ट है कि क्या होता है कि मार्केट अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने भी दाम बढ़ाने नहीं चालू करना चाहिए। मतलब जो पहले जो हमने गलतियां की थी, दाम अनाज सनाप बढ़ाते रहे, लेकिन उसके साथ ग्राहकों को भी ये सुझाव है कि आज अभी भी इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के 6.5% तक, मतलब मुझे लगता है कि गए 2 दशक से इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं हुआ है। तो और एक घर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, रोटी कपड़ा और मकान जैसे कहते हैं, तो मकान इम्पोर्टेंट पहलू है। तो हर आदमी ने जिसका भी घर नहीं है, उन्होंने घर लेके अपनी जो सपना है, घर का सपना है, वो पूरा कर लेना चाहिए। जी दोस्तों, अब हम दिखाते हैं इस विषय पर हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध रमेश प्रभु से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस विषय पर, दिखाते हैं। देखिए, क्रेडाई MCHI जो एक बिल्डर का संगठन है, तो जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड इश्यूज है उसको लेकर हमेशा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। जो हमें पता है कि गया 2 साल में कि रियल एस्टेट को लेकर क्रैश क्रंचेस, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंचेस, बहुत है। इसको आप DHFL का एक ये पकड़िए या दूसरा NBFC का जो क्राइसिस है, ये बहुत हो चुका। ये जब क्राइसिस हो गया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी लगा कि किधर ना किधर इसको एक सहूलत देना चाहिए, इसलिए शुरुआत में 5 साल का एक कालावधि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MCHI क्रेडाई ने पूछा था। लेकिन शुरुआत में सिर्फ 2 साल के लिए एक मुदत बढ़ा के दिया था, जो 2019 और 20 और 21, अभी 2 साल में जो इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए आपका 70 मीटर के ऊपर है तो आपको 5 साल का कालावधि दिया जाता है। आपका जो MCGM का या गवर्नमेंट का जो प्रीमियम भरना है उसको आपको 5 साल का कालावधि देता है, और उसमें 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यदि आपका 70 मीटर का नीचे का यदि बिल्डिंग आप बनाते हो, तो जितने भी प्रीमियम भरना है वो आपको 4 साल का कालावधि देके, ये 2 साल में ये स्कीम चालू था। लेकिन ये जो फर्स्ट वेव आ गया, सेकेंड वेव आ गया, और जिस तरह से मार्केट में थोड़ा सा तेजी आने लग गई, मगर जिस तरह से बुकिंग होना चाहिए वो बुकिंग नहीं हो रहा था, और ये स्कीम और 1 साल बढ़ा के गवर्नमेंट ने दिया है, और ये जो
क्रेडाई एमसीएचएन ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया ये बहुत जरूरी था और गवर्नमेंट ने भी बहुत सकारात्मक से इसको मान लिया और उन्होंने एक साल का मुदत बढ़ा के दिया है जो इंस्टॉलमेंट स्कीम, ये मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि इवन लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट में भी जाना है, ये जो इंस्टॉलमेंट में इजी पड़ेगा। इतना ही है कि आपको पूरा प्रीमियम ओसी आने का पहला देना पड़ेगा और वो मुझे लगता है कि जो कैश रिसीवेबल है जो बुकिंग होता है उससे वो दे पाएंगे और इस स्कीम को मैं स्वागत करता हूँ और खास करके क्रेडाई एमसीएचए को भाई मैं अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने से ही इंडस्ट्री का भला होता है और जो रियल एस्टेट का जो प्रगति है वो अच्छे तरह से होते रहे। BAI बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हाउसिंग एंड रेरा कमेटी के चेयरमैन आनंद गुप्ता ने कहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कई लोगों को रोजगार देती है और इस कदम से इस इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। क्या कुछ कहा आनंद गुप्ता ने, दिखाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हैज टेकन ए वेरी फेवरेबल डिसीजन ऑफ एक्सटेंडिंग द इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर अनदर वन ईयर। This is really shows that Bombay Municipal Corporation is wants all real estate activities and construction activities, which is a backbone in the city, runs smoothly and properly. In a similar line, I also would like to request Government of Maharashtra as well as Bombay Municipal Corporation that all the development charges, FSI charges, all the charges for staircase, open spaces, which were reduced to 50% in the month of January for 1 year, which is valid only up to December. Probably, if they continue for another more 1 year, it will help the industry. And as you know, this industry supports a large number of population for employment, and it also helps to boost up the other industries, particularly cement and steel and like that industry. यदि देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है तो इस तरह के राहत भरे निर्णय लेना जरूरी हो गया है सरकार और प्रशासन को, और प्रशासन के इस निर्णय से मुंबई के हाउसिंग सेक्टर में फिर से एक बार उछाल आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महासेवा के तमाम दर्शकों को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये अवेयर करने वाले वीडियो है, न्यूज है दोस्तों। इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें इस तरह से। आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को और पूरी टीम को महासेवा की दीजिए इजाजत। नमस्कार। फॉर ऑल सर्विसेज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ फ्लैट्स, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा, MOFA and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies, you can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022-4255-1414 for any assistance.